खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां इन दिनों महिलाओं में गणगौर पर्व को लेकर खास उत्साह है। आपको बता दें कि नव विवाहित युवतियों में गणगौर पूजन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसके तहत ही गणगौर पूजन करने वाली युवतियों ने बताया कि गणगौर का मतलब भगवान शिव और पार्वती की जोड़ी से है। उन्हीं के रूप में गणगौर की 16 दिन तक पूजा की जाती है। उन्होंने बताया इस पर्व को लेकर जहां नव विवाहित युवतियों में उत्साह बना हुआ है, वहीं इसके माध्यम से राजस्थान की लोक संस्कृति को भी सजोने व जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है। हनुमानगढ़ से राज रतन पारिक की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सांप्रदायिक सद्भावना का भी प्रतीक है गणगौर का मेला। हमारी गणगौर का पूजन, ये शिव और पार्वती दोनों को मिला के दोनों की पूजा की जाती है। और हमारे एक खास बात और है कि हमारे इस 25ियों के मोहल्ले से भी गणगौर इस सर जो है वो बहुत लंबे समय से यहाँ से सवारी निकलती है। और एक और बात है कि 16 दिन हम जो श्रृंगार करते हैं, ये सबसे पहले महाशिवरात्रि के बाद में मैया पार्वती ने अपना 16 श्रृंगार पूर्ण करके अपने यजमान के रूप में एक ऋषि के यहाँ महाशिव पुराण की कथा सुनी थी। इसलिए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में माता पार्वती शिव जी के साथ में बैठ करके इन्होंने कथा सुनी थी। इसलिए दूज के दिन सभी महिलाओं को माता पार्वती का 16 श्रृंगार करना चाहिए। का त्योहार आज हमने बनाया है, इसके लिए हमारे मन में बहुत उत्साह है। आज हमारे घर पे बनोरा है, जिसमें हमने आधुनिकता का समावेश करते हुए मेहंदी का प्रोग्राम रखा है। और सब मेरी सखियां हैं जो यहाँ पे मेरे साथ आई हैं, और हम सब सखियां मिलकर 16 दिन तक पूजन करेंगी। और 16वें दिन जाके गणगौर को धमकाना बोलते हैं गणगौर को लेके जाएंगे वहाँ पे पार्क, रामसुदास पार्क है यहाँ नोहर में। और सब लोग नाचते गाते धूप धूम नाम से जैसे एक लड़की की विदाई करते हैं हम लोग, ऐसे ही हमारी गौरजा माता की हम विदाई करेंगे। और खूब खुशी से ये कामना करेंगे कि दोबारा अगले साल हम फिर इसी उमंग और उत्साह के साथ ये त्योहार मना सकें।